नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सीरीज फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और सबसे पहले बात करनी बनती है यहाँ पे इंडिया अंडर 17 के आज के मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड अंडर 17। जी हाँ गाइज, स्पेन टूर का आई थिंक सबसे बड़ा मुकाबला आज इंडिया अंडर 17 के बॉयज खेलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने मतलब पिछले 3 मैचेस में, चाहे वो एटलेटिको मैड्रिड हो या फिर लेगनेस की टीम हो, उनके सामने तो धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो आज है। एंड बिबियानो फर्नांडेस ने भी यही बोला है कि सबसे बड़ा मैच आज का ही है और हमारे बॉयज भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मैच को लेके। और पिछले वीक ही यहाँ पे जो एटलेटिको मैड्रिड के जो यूथ कोचिस थे उनके साथ यहाँ पे प्लेयरों ने ट्रेनिंग की थी, उनसे गाइडेंस एडवाइस ली थी, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होता है कि किस तरह से भाई हमारे बॉयज रियल मैड्रिड के सामने परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि इस मुकाबले में अगर मान लीजिए कि उन्होंने ड्रॉ या विन निकाल लिया, तो जो कॉन्फिडेंस इस तरह के मुकाबले से आपको मिलता है, वो आपको जो एएफसी एशियन कप में जा रहे हो कि अगर वहां पे आपसे कोई हायर लेवल टीम आ गई, मतलब ऑब्वियसली आप डेथ ऑफ ग्रुप में है तो मिलेगी, तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं भाई हम बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं। क्योंकि रियल मैड्रिड अंडर 17 टीम को हराना मतलब एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा मेरे को लगता है कि इंडिया अंडर 17 बॉयज के लिए। तो लेट्स होप कि भाई आज हमारे बॉयज फाड़ के रख दे और एक धमाकेदार परफॉर्मेंस आज अगर रियल मैड्रिड के सामने पुट अप करते तो मजा आ जाएगा। रात को 8:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा, तो लेट्स होप कि हमारे बॉयज एक धमाकेदार परफॉर्मेंस पुट अप करें। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज फुटबॉल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ गाइज, यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ एंड जॉइंट सेक्रेटरी हमारे कल्याण चौबे सर ही है, और उन्होंने यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मीटिंग हुई थी ब्रिस्बेन में, क्योंकि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो वहां पे उन्होंने ये बात रखी है कि फुटबॉल को भी यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे ओलंपिक्स में है, जैसे एशियन गेम्स में उसी तरह से, क्योंकि वहां पे भी जो फॉर्मेट है वो अंडर 23 का ही होता है। तो उन्होंने बोला है कि अंडर 23 में मतलब स्क्वाड में उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं कि क्वालिटी वाइज कोई मैसिव डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू अगर हम सीनियर टीम की बात करें, तो वहां पे जो लोअर रैंक टीम्स है जैसे कि इंडिया है, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा कि वो इंग्लैंड के सामने खेल सकते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, गाना, नाइजीरिया, कनाडा, इस तरह की टीमों के सामने उनको खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे फीफा भी जो सीनियर टीम से उनको अलाउ नहीं करता ओलंपिक्स और उनमें, क्योंकि उनकी मोनोपोली है कि भाई फिर वर्ल्ड कप की वैल्यू डाउन हो जाएगी अगर वहां पे वो करते हैं। तो उन्होंने ये प्रपोज किया है कि जिस तरह से जिस फॉर्मेट में ओलंपिक्स में खेला जाता है, एशियन गेम्स में खेला जाता है, उसी तरह से यहाँ पे कॉमनवेल्थ में भी फुटबॉल को इंक्लूड करना चाहिए, और अंडर 23 साइड प्लस 3 सीनियर प्लेयर्स के साथ उनको उन्होंने बोला है कि इसी फॉर्मेट में आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो लेट्स होप कि भाई कॉमनवेल्थ में भी फुटबॉल का इंक्लूजन होने से आई थिंक इंडिया को बड़ा फायदा मिलेगा, कि मैंने जैसे बोला कि इस तरह की टीमों के सामने आपको खेलने का मौका मिलेगा, चाहे भले ही अंडर 23 साइड मिले, लेकिन एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और ये वर्ल्ड की जो अच्छी अच्छी साइड है उनके सामने खेलने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी कि भाई कॉमनवेल्थ इसके बारे में क्या सोचती है एंड क्या इसका फाइनल डिसीजन लेती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस एआईएफएफ के ऊपर यहाँ पे बड़े एलिगेशन, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के स्टेट एफए के जो प्रेसिडेंट है गोपाल कृष्ण कासारा, जो उन्होंने यहाँ पे लगाए है, और उन्होंने यहाँ पे पीएमओ को, जी हाँ गाइस, पीएमओ को यहाँ पे एक चिट्ठी भेजी, और उन्होंने जो एएफसी एशियन कप 2027 के जो होस्टिंग राइट्स है उसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे सर और सेक्रेटरी साजी प्रभाकरण, उन्होंने यहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके साथ यहाँ पे कोलैब करके उन्होंने बोला है कि या फिर कुछ उस तरह से डील करके यहाँ पे, इसीलिए इंडिया ने जो 2027 वाला जो एएफसी एशियन कप का होस्टिंग था उससे इंडिया पीछे हट गया है, क्योंकि वहां पे चार ही कंट्री ने होस्टिंग के लिए बीट डाली थी, ईरान, कतार, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया यहाँ पे चूज हुआ है, लेकिन इंडिया ने क्यों वापस ले लिया, और इस तरह की अगर वापस लेने से भाई वर्ल्ड फुटबॉल में गलत मैसेज जाता है, और बड़े इवेंट्स अगर आगे आने वाले टाइम में हमें ऑर्गेनाइज करवाने हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरह के एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे एएफएफ के जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी है उसके ऊपर लगाया है, और उन साथ में उन्होंने बोला है कि उन्होंने यूनिलेटरली ये डिसीजन ले लिया था, कोई एएफएफ की एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं बुलाई थी और उन दोनों ने मिलके ऐसा डिसीजन ले लिया था जबकि सबको पूछना चाहिए था। तो पीएमओ को ये चिट्ठी लिखी है जिसके जवाब में यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उन सब की ओर से ये आंसर आया कि भाई हमने 5 दिसंबर को इसके रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया है, और ये 5 महीने के बाद बोलने का कोई मतलब इसका सेंस नहीं बनता, ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़े करने की बात है। और उन्होंने बोला कि हमारा जो फोकस है वो यूथ लेवल एंड ग्रास रूट लेवल को पहले ज्यादा मजबूत करना है, और उसके बाद इस तरह के बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने का हम सोच रहे हैं। तो इस तरह का उनकी ओर से रिप्लाई आया है, तो लेट्स सी कि ये सारा सिनेरियो किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड होता है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज, अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आ रही है गाइस सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जी हाँ गाइस, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे
फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज एल नागेश्वर राव को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है फॉर दी एएफएफ का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा स्टेट एफएस की ओर से और दूसरे स्टेक होल्डर की ओर से वहाँ पे जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर एक सहमति नहीं बन रही थी और केस ऑलरेडी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एल नागेश्वर राव को एक 31 जुलाई तक का टाइम दिया है कि आप एक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसमें क्या खामियां है, क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, उसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। क्योंकि जो चीफ जस्टिस है हमारे, उन्होंने भी ये बोला है कि हम चाहते हैं कि अगर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई अगर खामी रह गई है तो उसको हम रेक्टिफाई करके एक अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू करें। तो लेट्स सी कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसके बाद और ये रिपोर्ट किस तरह की आती है और क्या क्या चेंजेस हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस आई लीग के दो नए क्लब। जी हाँ गाइस, आई लीग के दो नए क्लब्स में यहाँ पे दो और बीड आ चुकी है। जी हाँ गाइस, 3 बीड्स ऑलरेडी आ चुकी थी, दो नई बीड यहाँ पे साउथ इंडिया से दो सिटीज की ओर से आई है, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुए है। तो टोटल 5 बीड आ चुके हैं यहाँ पे आई लीग में जो दो नए क्लब्स आने हैं उसके रिगार्डिंग। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है क्योंकि पंजाब से यहाँ पे नामधारी स्पोर्ट्स अकेडमी, दिल्ली से एक बीड आई है, बेंगलुरु से एक आई है और दो बीड यहाँ पे साउथ इंडिया के दो सिटीज से आई है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा कि कौन सी यहाँ पे दो टीमें हमें आई लीग्स में नए सीजन में देखने को मिलेगी। मेरे को कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कहाँ कौन से सिटी से टीम चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ट्रांसफर की बात करते हैं थोड़ी सी। तो भाई आकाश मिश्रा के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई आकाश मिश्रा इज ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग मोहन बगान सुपर जायंट। तो यहाँ पे मुंबई सिटी ये ट्रांसफर बैटल हारती हुई दिख रही है एंड आई थिंक आज के मैच के बाद आई थिंक ये कन्फर्म मेरे को लगता है कि ये ट्रांसफर डील है वो कन्फर्म हो जाएगी। तो आकाश मिश्रा को मोहन बगान सुपर जायंट इज लुकिंग ऑलमोस्ट 99% आप बोल सकते हैं कि वो डन लग रहा है। तो लेट्स सी कि भाई आकाश मिश्रा मोहन बगान में किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ मुंबई सिटी की बात करें तो मुंबई सिटी ने यहाँ पे अपने दूसरे फॉरेनर यहाँ पे अल्बर्टो नोग्वेरा को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है और 1 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करने वाले हैं अल्बर्ट नोग्वेरा और उसमें एक क्लोज रखा गया है कि उनको यहाँ पे मूव अवे करने का क्लोज रखा गया है। तो जब भी प्लेयर जब अगर मान लीजिए कि बीच सीजन में उनको अच्छी ऑफर आई तो जनवरी में जा सकता है इस तरह की, तो इस तरह का क्लोज भी रखा गया है। तो दूसरी यहाँ पे क्योंकि ग्रेग स्टुअर्ट ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया था, अब दूसरे यहाँ पे फॉरेनर्स ने साइन कर लिया है। तो लेट्स सी कि भाई कितने जो करंट स्क्वाड में जो फॉरेनर्स थे उसमें से कितने को मुंबई सिटी देती है और कितने नए फॉरेनर्स लाती है, क्योंकि आगे एएफसी चैंपियंस लीग भी खेलना है। तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि जो उनके जो एरियाज है वहाँ पे वो डेफिनेटली कुछ कुछ एरियाज में इंप्रूव करना चाहती है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज गाइस एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। क्यूरियस एरी, जय हिंद जय भारत।